मंगलवार को शहर के नाका सत्रिख स्थित कार्यालय पर संघ विस्तार कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष मध्य संजय वर्मा पंकज अध्यक्षता में हुआ। जानकारी के अनुसार मुख्य अतिथि पत्रकार प्रेस महासंघ के मध्य कमान अध्यक्ष संजय वर्मा पंकज ने बताया कि ये महासंघ पत्रकारों के हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर है, जिसमें कोई गवाही देने की जरूरत नहीं है। साथ ही पत्रकार हित में उन्हें कानूनी सुरक्षा आदि को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन प्रयास मात्र ही नहीं कर रहा, बल्कि पत्रकारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उनके आश्रितों को समय से मदद आदि को लेकर भी पूरे देश में व्यवस्थाओं से जूझ रहा है। पत्रकारों के बेहतर भविष्य के लिए सर्वोत्तम यही है कि वो ऐसे संगठन से जुड़ें जिनका उद्देश्य संगठन द्वारा अधिकारियों से निकटता एवं स्वार्थ सिद्धि से इतर हो। जैसा पत्रकार प्रेस महासंघ से जुड़े जुझारू पत्रकारों में पूरा देश देख भी रहा है, वहीं जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों के संघर्ष को लेकर अपने कई अनुभव तमाम पत्रकारों से साझा करते हुए उन्हें पत्रकारिता के उद्देश्य एवं व्यापकता से आगे करने का अवगत कराने का प्रयास किया। वहीं इस कार्यक्रम में तमाम पत्रकार बंधु मौजूद रहे। तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं पत्रकार प्रेस महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं मध्य का, संजय वर्मा पंकज। नए ऑफिस डालने का आपका क्या प्रयोजन है? ये पत्रकार प्रेस महासंघ प्रदेश मध्य का जो है जिला बाराबंकी का कार्यालय है, यहाँ पे हम लोग विस्तार करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्रकारों को संगठित किया जाए, उनको पत्रकारिता की मूल भावना से परिचित कराया जाए, और जो आजकल पत्रकारिता का डिफेम हो रहा है, उसका नीचे गिर रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने में लोगों को जागरूक किया जाए, पत्रकारों को बताया जाए कि पत्रकारिता वास्तव में है क्या, ताकि जो है जो इसकी इज्जत है पत्रकारिता की वो बनी रहे। पत्रकारिता के विभिन्न बिंदुओं पे इस पर वार्ता की गई, लोगों को जागरूक किया गया, बताया गया कि पत्रकारिता कैसे करना चाहिए, इसका तरीका क्या होता है, और कैसे हम सामाजिक बुराइयों को और लोगों के दायित्वों का बोध पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को करा सकते हैं। साथ ही पत्रकारिता के का जो स्तर नीचे गिरने की वजह से पत्रकारों पर जो भ्रष्टाचारियों का डंडा चल रहा है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेके बातचीत की गई। और इसमें लोगों को जागरूक किया गया कि वो संगठित हों और इन भ्रष्टाचारियों, इन अन्यायियों के खिलाफ कलम के माध्यम से एक क्रांति की जाए, जिससे बढ़ रही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।